हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएन जंक्शन डायोड करेक्टरिस्टिक्स अपरेटस, ये एक्सपेरिमेंट। अब इसमें देखो, हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दो टाइप की होती हैं, एक फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें देखो, यहाँ पे इस अपरेटस के अंदर ये क्या है हमारा, ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पर क्या है, ये एम मीटर है। वोल्ट मीटर को हम वोल्टेज मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे और एम मीटर को करंट मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो एक बार फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ स्टडी करेंगे, एक बार रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस अपरेटस के अंदर ये हमें फॉरवर्ड बाइस के लिए, कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है और ये हमें रिवर्स बाइस के लिए कनेक्शन दिया हुआ है। जब हम फॉरवर्ड बाइस के लिए करेंगे तो हम ये फॉरवर्ड बाइस के लिए हमें बैटरी गिवन है 0 से लेके 1.5 वोल्ट की, तो इसको हम यूज़ करेंगे, क्लियर। और जब रिवर्स वाइज के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमें ये बैटरी दी हुई है 0 से 30 वोल्ट की, तो यहाँ पे हम इनपुट के लिए ये यूज़ करेंगे। तो इससे पहले इसके कनेक्शन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले फॉरवर्ड वाइज के लिए कनेक्शन देखते हैं। ये है हमारा वोल्ट मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड और ये है इसका नेगेटिव एंड। यहाँ पे हम लगाएंगे पीएन जंक्शन डायोड, ये हो गया इसका पी पार्ट और ये है इसका एन पार्ट। वोल्ट मीटर को हमने इसके पैरेलल में लगाया है। उसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग के लिए देखो, जो पी है डायोड का, जो पी है उसको किससे करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी का पॉजिटिव, और जो एन है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक एमीटर, मिली एमीटर यहाँ पे हम लगाएंगे, ये मिली एमीटर का पॉजिटिव और ये है इसका नेगेटिव, क्लियर। और बैटरी का जो नेगेटिव एंड है वो हो गया मिली एमीटर के नेगेटिव से। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन लगाएंगे। अब यहाँ सर्किट डायग्राम के अंदर देखो, जो डायोड का पी पार्ट है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए ये हो गया बैटरी का, सॉरी डायोड का पी, और इसको हम करेंगे बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट, क्लियर। इस एंड से भी कर सकते हैं, ये दोनों कॉमन है। उसके बाद जो बैटरी का नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव देखो डायग्राम के अंदर, बैटरी का नेगेटिव है एमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट। ये है हमारा एमीटर और ये है इसका नेगेटिव, क्लियर। उसके बाद देखो, मिली एमीटर का पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, एन पार्ट से, डायोड के एन से। और क्योंकि डायोड के एन से वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी कनेक्ट है, तो हमें डायोड के एन को हमें दो जगह से कनेक्ट करना है, इसलिए इसमें हम होल वाली लीड यूज़ करेंगे। डायोड का एन, ये हो गया डायोड का एन, ये किससे कनेक्ट है, मिलीमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये हो गया मिलीमीटर का पॉजिटिव, क्लियर। उसके बाद डायोड का एन वोल्टमीटर के नेगेटिव से भी कनेक्ट है, क्लियर। डायोड का एन वोल्टमीटर के नेगेटिव से, ये हो गया वोल्टमीटर का नेगेटिव। उसके बाद वोल्टमीटर का पॉजिटिव किससे कनेक्ट है, पी से, डायोड के पी से। तो इसमें हमें होल वाली लीड यूज़ करनी पड़ेगी, क्लियर। डायोड का पी वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, क्लियर। तो ये हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हैं यहाँ पे। अब हम सबसे पहले वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट देख लेंगे और एमीटर का लीस्ट काउंट, उसके बाद रीडिंग नोट करेंगे। अब देखो, ये वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है ये दी हुई है हमें 0 सबसे पहले, उसके बाद ऊपर वाला स्केल है 0.25, उसके बाद 0.5, 0.75, 1 और 1.25, इस तरह से हमें रीडिंग दी हुई है। क्योंकि फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज में हम क्या करते हैं, कम वोल्टेज की बैटरी यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो, अब लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0 से और 0.25 के बीच में हमारी 10 डिवीज़न है, क्लियर। 0 से 0.25 के बीच में हमारी क्या है, 10 डिवीज़न है। तो लीस्ट काउंट के लिए
0.25 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट हो गया हमारा 0.25 डिवाइड बाय 10। क्लियर? तो लीस्ट काउंट हमारा बन गया 0.025। क्लियर? यानी इसकी एक डिवीज़न जो है वो 0.025 मेजर करेगी। ये दिखाई दे रहा होगा सभी को, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट हो गया हमारा 0.025 वोल्ट। इसी तरह मीटर का लीस्ट काउंट हो जाएगा, यहाँ पे डिवीज़न है 0.2468, तो 2/10 इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा, यानी इसकी एक डिवीज़न 0.2 मिली एम्पियर मेज़र करेगी। ये हो गया मिली एमीटर का लीस्ट काउंट, 2/10 0.2 मिली एम्पियर। उसके बाद इसको हम ऑन करेंगे, यहाँ से ये ऑन हो गया है हमारा, और यहाँ से हम वोल्टेज चेंज करेंगे और करंट की वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे। स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो पे जीरो ही आ रहा है, यानी जीरो वोल्टेज पे हमें जीरो करंट ही मिलेगा यहाँ पे। अगर थोड़ा और वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे, अब देखो यहाँ से कुछ टाइम यहाँ से हमारी वोल्टेज बढ़नी स्टार्ट हो गई है, तो वोल्टेज जब हमारी 0.025 है, यानी फर्स्ट डिवीज़न पे हमारी जो ये जो पॉइंटर है ये किस पे है, फर्स्ट डिवीज़न पे है, तो इसकी रीडिंग हमारी हो जाएगी 0.025 और इस पे हमें करंट मिलेगा 0.2 मिली एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज को और इंक्रीज़ करेंगे, तो वोल्टेज देखो यहाँ पे चेंज हुई है लेकिन करंट उतना ही है अभी भी यहाँ पे, तो वोल्टेज तो हमारी हो गई है थर्ड डिवीज़न पे है यहाँ पे, तो 3 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और करंट हमें मिल रहा है 0.2 ही मिली एम्पियर ही मिलेगा। उसके बाद फिर से वोल्टेज बढ़ाई, फोर्थ डिवीज़न पे आ गई, अभी भी जो करंट है वो 0.2 ही है। आप देखो मिली एमीटर की जो नीडल है, पॉइंटर है, अब की बार ये हमारी डिफरेंट रीडिंग आई है, हमारी वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लेंगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग हम यहाँ पे लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारा जो है ग्राफ आएगा। अब ये वोल्टेज देखो एग्जैक्टली 0.25 पे है, तो इस टाइम पे हमें जो करंट मिल रहा है, ये जो करंट में मिलीमीटर में जो पॉइंटर है वो फिफ्थ डिवीज़न पे है हमारी, तो रीडिंग होगी 5 × 0.2। अब यहाँ पे देखो हमारी जो वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो है हमारी यहाँ पे बिल्कुल 0.25 और 0.5 के बीच में, और यहाँ पे हमें जो करंट मिल रहा है वो 2 से जो अगली डिवीज़न है उस पर मिल रहा है, यानी 11th डिवीज़न पे हमें करंट मिल रहा है, तो 11 को हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब धीरे धीरे करंट इंक्रीज़ हो रहा है एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, तो नी वोल्टेज के बाद जो करंट है वो हमारा रैपिडली इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है पहले से, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा रैपिड इंक्रीज़ कर रहा है।
यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज का पॉइंटर है 0.5 पे, तो करंट हमें मिल रहा है एग्जैक्टली 4th डिवीज़न पे, यानी कि 4 है हमारी करंट रीडिंग, 4 mA। अब यहाँ पे देखो जो करंट है वो हमारा रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, वोल्टेज जो है बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो करंट है देखो वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है हमारा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये आई है हमारी रीडिंग 0 पे 0, फिर है 0.025 पे हमें करंट मिला है 0.2, उसके बाद 3 वैल्यूज तक हमें सेम ही करंट मिला है 0.2, फिर नेक्स्ट वैल्यू पे ये इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर गया, देखो 0.2, 0.4, 0.6, 1.2। अब देखो यहाँ पे तो करंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ 1.2 के बाद करंट जो है 1.6 आया है, उसके बाद 2.2, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, यानी रैपिड इंक्रीज़ यहाँ से शो कर रहा है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। देखो ये हमारा है फॉरवर्ड वोल्टेज का जो एक्सिस है, और यहाँ वाई एक्सिस पे हमने लिया है फॉरवर्ड करंट, तो ये करंट स्केल हमने लिया है 0.05 का, और यहाँ पे हमने 1:1 का स्केल लिया है। तो सबसे पहले रीडिंग हमारी है 0 पे 0, तो यहाँ पे हमें 0 वोल्टेज पे 0 ही करंट मिल रहा है। क्लियर? उसके बाद 0.025, अब इसके ये जो हाफ है इसके हाफ में 0.025 लाई करेगा, उस पर हमें मिल रहा है 0.2 करंट। तो 0.2 कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ पे होगा 0.5। क्लियर? और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जो होगा वो हमारा होगा 0.2, तो यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे हमारी पोजीशन लाई करेगी। क्लियर? उसके बाद 0.075 इसके बाद कहीं पे होगा 0.07, तो उस पर भी हमें सेम ही जो है हमें करंट मिला है 0.2। क्लियर? उसके बाद 0.1 पे भी हमें सेम ही करंट मिला है, उसके बाद इंक्रीज़ है 0.15 पे, ये है हमारा 0.15, इस पे हमें मिला है 0.4 करंट। तो यहाँ से देख लेंगे हम 0.4 कहाँ पे होगा, तो 0.5 से थोड़ा सा नीचे होगा 0.4, और 0.2 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हो जाएगा 0.4। उसके बाद 0.175 इससे थोड़ा सा आगे होगा, और हमें इस पे मिला है 0.6 करंट, तो 0.5 से हल्का सा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा 0.6। उसके बाद 0.25 पे हमें मिला है 1 करंट की वैल्यू, हमें मिली है 1, तो ये है 1, तो यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट यहाँ पे आएगा। क्लियर? उसके बाद है 0.275 पे हमें मिला है 1.2 करंट, तो 0.275 थोड़ा सा आगे होगा, इस पे हमें मिला है 1.2 कहाँ पे होगा, 1.5 से थोड़ा सा नीचे, जीरो पॉइंट टू सेवन फाइव, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। क्लियर? उसके बाद है 0.325, 0.3325 से थोड़ा सा आगे होगा, और यहाँ इस पे हमें मिला है 1.6 करंट, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, ये 1.5 पे था तो ये हो गया 1.6। उसके बाद है 0.375 इधर होगा 3.5 के बाद, इस पे हमें मिला है 2.2 करंट, तो ये तो है 2, और 2.5 से थोड़ा सा नीचे, ये 2.5 बीच में, 2 और 3 के बीच में 2.5, और इसे थोड़ा सा नीचे 2.2, तो ये पॉइंट होगा हमारा। क्लियर? उसके बाद 0.5 पे हमें 4 करंट मिला है, तो उसके बाद और रीडिंग है, तो उसका जो पॉइंट है वो हमारा इससे ऊपर आएगा 4 और 5, यहाँ ये हमें रीडिंग मिली थी। तो अब ग्राफ को मैच करेंगे, यहाँ से लाइन को ज्वाइन करो, 0 पे 0 से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से देखो हमारी जो
करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ से, जो देखो करंट है एप्रप्टली इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे हमारी नी वोल्टेज हो जाएगी, ये हमारा ग्राफ आएगा, क्लियर? इस तरह से आएगा, ज़रूरी नहीं है पॉइंट को टच करे, हम इस तरह से इस जो लाइन को हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर? तो ये थी हमारी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद करेंगे रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद रिवर्स बाइस के कनेक्शन के लिए डायग्राम देखते हैं। रिवर्स बाइसिंग में क्या करते हैं, डायोड का जो पी है उसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो डायोड को बाकी कनेक्शन वैसे ही रहेंगे, हम डायोड को यहाँ पे उल्टा लगा देंगे, डायोड का एन इस साइड कर देंगे और पी इस साइड कर देंगे। उसके बाद बैटरी, यहाँ पे हम ज़्यादा वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं, तो हमारे ऑपरेटर्स के अंदर 0 से 30 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दे रखी है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइक्रोमीटर करंट की वैल्यू नोट करने के लिए। ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायोड का एन, ये पी, ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये माइक्रोमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव, बाकी कनेक्शंस वैसे ही रहेंगे। तो डायोड को हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, तो ये होगी हमारी रिवर्स बायसिंग। अब इसके अकॉर्डिंग हम कनेक्शन लगाते हैं। रिवर्स बायसिंग के लिए देखो, जो डायोड का एन है उसको पहले वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ये डायोड का एन है यहाँ पे, तो ये हो गया वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। उसके बाद डायोड का एन वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्ट होगा यहाँ पे, ये डायोड का एन, और बैटरी हम ये यूज़ करेंगे रिवर्स बायसिंग के लिए, बैटरी का पॉजिटिव, क्लियर? उसके बाद बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव से, ये हो गया एमीटर का नेगेटिव, एमीटर का पॉजिटिव डायोड के पी से कनेक्ट है, ये एमीटर का पॉजिटिव और ये डायोड का पी। उसके बाद डायोड का पी वोल्ट मीटर के नेगेटिव से भी कनेक्ट है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, क्लियर? तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट है यहाँ पे रिवर्स बायसिंग के लिए। अब रिवर्स बायसिंग में हम जो बैटरी है वो ज़्यादा वोल्ट की यूज़ करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे 30 वोल्ट पे, और इसको भी हम 100 माइक्रो एम्पियर पे कर देंगे, क्लियर? उसके बाद ऑन करेंगे, यहाँ पे ये लिस्ट काउंट हो जाएंगे, वोल्ट मीटर का हो जाएगा 5/10 0.5, एमीटर का 20/10 2 वोल्ट। इसमें दोबारा से देख, स्टार्टिंग में जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, अब इसको देखो ऑन करने के बाद 0 पे, यहाँ पे हमें जो करंट है वो 0 पे 0 ही मिलेगा। उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज होगा इसके अंदर, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज इसके अंदर होती है जब करंट जो है एकदम रैपिडली इंक्रीज करेगा, ये देखो, क्लियर है ये चीज़? तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये आई है हमारी रीडिंग 0 पे 0, 0.5 पे हमें करंट मिला है 18, क्लियर? उसके बाद हम एक एक डिवीज़न हमने वोल्टेज इंक्रीज़ की, लेकिन जो करंट है देखो इसमें बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, क्लियर? अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ये पॉइंट्स हमने लगाए हैं, 0 पे हमें मिल रहा था 0 करंट, उसके बाद 0.5 पे, ये 0.5 पे 18 करंट हमें मिल रहा है, तो 10 और 20 के बीच में 15 और उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 18, क्लियर? तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 1 पे मिल रहा है 22, ये 1 और 20 से थोड़ा ऊपर 22, उसके बाद 1.5 पे 40, ये 1.5 और 40, उसके बाद 2 पे मिल रहा है 50, ये 2 हो गया और ये हो गया 50, उसके बाद 2.5 पे 70, ये 2.5 और ये 70, उसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट, इसके बाद है 3 के बाद हमें 80 के करीब यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स, अब इनको मैच कर देंगे हम, तो इस तरह से हमारा रैपिडली इंक्रीज ग्राफ आएगा। तो ये हमारी रिवर्स बायसिंग के लिए ग्राफ, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।